कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा सुसंगो कवितन्मनि। हमारी सरकार की नीतियां स्पष्ट रही हैं। पिछले चुनाव में जो हमने वायदे किए थे उन्हें हम पूरा कर रहे हैं। सर, पिछले 3 महीनों में शहर के अंदर कई आतंकवादी घटना घट चुकी है। आतंकवाद से निपटने के लिए आपकी सरकार की क्या रणनीति है? आतंकवाद को कुचलने का हमारा संकल्प दृढ़ है। इसके लिए हमने अपने प्रशासन को दुरुस्त किया है। पुलिस फोर्स को हमने 500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिससे हमारी पुलिस फोर्स आधुनिक साधन और तकनीक से सुसज्जित हो गई है। आतंकवादी विरोधी प्रचार के अभियान के तहत हम अपने जनमानस को आतंकवाद के विरुद्ध जागरूक कर रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति कोई भी हो, कहीं भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। सर, जो लोग आतंकवादी घटनाओं में मारे जा चुके हैं उनके लिए आपने शहीद स्मारक बनवाने की घोषणा की थी। गांधी मैदान में राष्ट्रीय तिरंगा फहराने के बाद हम शहीद स्मारक का उद्घाटन करेंगे तथा आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लिए एक पैकेज की घोषणा भी करेंगे। महिला विधवा आश्रम की तीसरी चिट्ठी आई है। मैंने आपको कहा था कि इनकी समस्या का निवारण कर दीजिएगा। जी। ये सीना साहब भी ना, ये कैसे लेटर है? कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं है। चीफ मिनिस्टर शिवराज साहब, तुम आतंकवाद को कुचलने की बात कर रहे हो लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। 3 दिन के बाद 15 अगस्त को झंडा फहराने का जो तुम्हारा सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। 15 अगस्त को तिरंगा फहराया नहीं जाएगा बल्कि तिरंगा झुकाया जाएगा, और वो भी तुम्हारी मौत के मातम में। आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, तुम्हें मरना होगा। मैं तुम्हारी लाश गिराने के लिए तुम्हारे शहर में आ चुका हूं। तुम्हारी मौत।
सर। क्या बात है सर? सर ये लेटर, आतंकवाद की इस धमकी के सामने मैं झुकूंगा नहीं। दुनिया की कोई ताकत मुझे 15 अगस्त के दिन देश का तिरंगा फहराने से रोक नहीं सकती। तिरंगा तो मैं अवश्य फहराऊंगा। आतंकवादियों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि उन्होंने सीधे हमारे सीएम साहब को मारने की धमकी दी है। चैलेंज किया कि इस 15 अगस्त को हमारे सीएम साहब झंडा नहीं फहराएंगे। 3 दिन के अंदर उनकी हत्या करने की धमकी देने वाला ये शख्स जो भी है बहुत खतरनाक है। सर हो सकता है चीफ मिनिस्टर को डराने के लिए धमकी दी गई हो। तो क्या मतलब? सर मतलब ये कि आए दिन झूठी धमकी भरे ईमेल फोन आते रहते हैं व्यवस्था को परेशान करने के लिए। कहते हैं कि यहाँ बम रखा है, जब हम तफ्तीश करते हैं तो वहां पर कुछ नहीं मिलता है। सर ऐसी दर्जनों घटनाएं घट चुकी हैं। तुम्हारी बात कुछ हद तक सच हो सकती है, फिर भी सीएम साहब को जो जान से मारने की धमकी दे दी गई है उसे हम झूठ नहीं समझ सकते। उन्हें जो ईमेल मिला है उसमें भी उन्हें जान से मारने की धमकी दे दी गई है। सर चीफ मिनिस्टर की सुरक्षा को भेदने वाला जो भी चैलेंज करने वाला है वो टेस्ट हुई है। सर हमें चीफ मिनिस्टर की सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए। वो तो होगा ही, फिर भी हम चाहते हैं कि धमकी देने वाला गिरफ्तार हो जाए। 15 अगस्त को कोई भी हादसा न हो इसलिए शुरू से ही हमने शहर में चौकसी बढ़ा दी है। धमकी वाले ने कहा है कि वो शहर में आ चुका है, इसका मतलब धमकी देने वाला शहर में सीएम की हत्या के इरादे से यहाँ पहुंच चुका है। लेकिन सर इतने कम समय में हम उसको पकड़ेंगे कैसे? इसलिए मैंने फैसला किया है सीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी में इंस्पेक्टर गौरव गंभीर को सौंप दूंगा। वाला लेटर सीएम साहब के पर्सनल लेटर बॉक्स से मिला है ना? यस सर, उसी लेटर बॉक्स से मिला है। और सर मैंने पूरी इंक्वायरी किया है सर कि हर रोज सीएम का पीए उसी लेटर बॉक्स में से सारे लेटर निकालता। हमने लेटर मिलने से 24 घंटे पहले तक की फिल्म देख ली है सावन, लेकिन गेट के आसपास या लेटर बॉक्स के पास हमें कोई भी आदमी नहीं दिखा। सिर्फ एक ही आदमी दिखा है, पोस्टमैन। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मुझे माफ कर दो साहब, मैं क्या करता साहब? साहब वो आदमी मेरे घर पर आ गया था और उसने धमकी दिया था साहब कि अगर ये चिट्ठी वहां तक नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा साहब। मैं क्या करता साहब? रोना बंद करो। उस आदमी का चेहरा देखा? हाँ साहब याद है। हाँ याद है साहब। साहब उसकी एक आंख खराब थी साहब और चेहरे में दाढ़ी थी साहब। साहब लंबी सी नाक थी साहब उसकी और बाल उसके साहब अजीब से थे और देखने में साहब एक अजीब से भयानक सा लगता था। ये हुलिया मैडम को बता। सर आप पुष्कर हजारे जी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर
देखिए मिस्टर पुष्कर हजारे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और किसानों की समस्या के लिए जो उन्होंने आवाज उठाई है हम उससे सहमत हैं। उनकी समस्याओं के लिए जो कर रहे हैं उससे हम सहमत हैं और हमसे जो हो सकेगा इस समस्या और पुष्कर हजारे साहब की जो बात है उसको समाप्त करने के लिए उसके निवारण के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और इसी संदर्भ में हम पुष्कर जी से मिलने जा रहे हैं। डिनर इसी फ्लैट में किया था उसने। और रात में वो सोफे पे सोया था। निखिल। यस सर। आसपास के इलाके में जितने रेस्टोरेंट हैं पता करो कि खाना किसने यहां पे डिलीवर किया था। राइट सर। शायद कुछ सुराग हो। शादी है। इस पूरे फ्लैट में से फिंगरप्रिंट उठाने हैं। जी सर। वॉचमैन ने बताया कि ये फ्लैट पिछले 3 महीने से बंद है। इसका मालिक दुबई में रहता है और 4-6 महीने में वो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए आता है। इसका मतलब है कि शूटर को इस बात की जानकारी थी कि ये फ्लैट बंद रहता है। वो यहाँ पे आया, उसने ताला तोड़ा और इस फ्लैट को अपना बसेरा बनाया। अच्छा, वॉचमैन ने बाइक राइडर के बारे में कुछ बताया?
सर उसने बताया कि बाइक वाला यहाँ पर आया था और उसने कहा था कि उसे मिस्टर सिंघानिया से मिलना है जो थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, और उसके बाद वॉचमैन की ड्यूटी चेंज होने वाली थी इसलिए वो बाइक वाले पर ध्यान नहीं दे पाए। अच्छा, जो स्केच अपने पास था वो तुमने दिखाया वॉचमैन को? हाँ सर, लेकिन वॉचमैन ने बताया कि इसकी दोनों आंखें सही थी और इसकी मूछें भी थी, जबकि पोस्टमैन ने एक दाढ़ी वाले का स्केच बनवाया था। इसका मतलब है कि शूटर बहरूपिया है। एक काम करो रेखा, तुम वॉचमैन को अपने आर्टिस्ट के साथ बैठा लो, वॉचमैन को बोलो कि हुलिया बताए बाइक राइडर का, और एक स्केच तैयार करवाओ तुरंत। राइट सर। निखिल। जी सर। यहां से शूटर ने सीएम के ऊपर गोली चलाई थी। ये नीचे वाले फ्लैट के छज्जे के ऊपर जो अचला कार्ड डला है, सिगरेट के टुकड़े डले, कांस्टेबल को बोलकर उठवाओ। जी सर। सर सर मोटर बाइक मिल गई सर। गुड। सर मोटर बाइक शूटर फ्लाईओवर के नीचे खड़ा करके गायब हुआ है, और मैंने मोटर बाइक का नंबर नोट करके आरटीओ ऑफिस में इंक्वायरी के लिए कांस्टेबल को भेज दिया सर। वेरी गुड। और सर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम भी तुरंत पहुंचने वाली है। ठीक है सावंत। यस सर। तुम खुद यहां से सारे फिंगरप्रिंट्स उठवाओगे और इसकी रिपोर्ट तैयार करवाओगे इमीडिएटली। राइट सर। सर शूटर ने मोटरसाइकिल लाल बाग से चुराई, जिसकी चोरी होने की रिपोर्ट मोटरसाइकिल के मालिक ने कल रात ही की। सर इस जले हुए कार्ड से क्या मिलेगा? ये कार्ड शूटर ने जलाया है, सिगरेट के टुकड़ों के साथ नीचे वाले फ्लैट के छज्जे के ऊपर फेंक दिया। सर हो सकता है किसी और ने फेंका। इस शहर में दो दिन से झमाझम बारिश हो रही है, कल शाम से मौसम थोड़ा साफ है, इनफैक्ट पूरा साफ है। अगर कल शाम के पहले किसी ने इसे फ्लैट के छज्जे के ऊपर फेंका होता तो अभी तक बारिश के पानी के साथ ये गटर में पहुंच चुका होता। इसका मतलब है कि शूटर ने कल शाम के बाद इस टुकड़े को जला के फ्लैट के छज्जे के ऊपर फेंका। और दूसरी बात, जिस फ्लैट को शूटर ने अपने रहने का ठिकाना बनाया था उस फ्लैट के ऊपर कोई दूसरा फ्लैट नहीं है। सर वैसे एक बात तो है, शूटर बहुत चालाक है, क्योंकि हमें उस कमरे से उसके कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले। एक जला हुआ कार्ड मिला जो हमारे किसी काम का नहीं। मुर्दा जल जाता है निखिल, लेकिन उस जले हुए मुर्दे की जली हुई हड्डी जलने के बाद भी अपना अस्तित्व कायम रखती है। सर मैं कुछ समझा नहीं। मैं भी अभी समझने की कोशिश ही कर रहा हूं। तुम एक काम करो, लालबाग और दादर इलाके में कितने होटल हैं, कितने गेस्ट हाउस हैं, इन सब का पता करो, और उन तमाम गेस्ट हाउसेस में और होटल्स में पिछले दो दिन में कौन कौन से कस्टमर्स आए हैं, इनकी लिस्ट लेके आओ। राइट सर, मैं पता लगाता हूँ। सर सर वॉचमैन और पोस्टमैन के डिस्क्रिप्शन पर बनाए गए ये रहे वो दो स्केच। दोनों स्केच में एक चीज कॉमन है, नाम। पोस्टमैन और वॉचमैन ने इन दोनों की नाक एक जैसी बनवाई, लेकिन बाकी का चेहरा नहीं मिलता। पंद्रह अगस्त में दो दिन बाकी, इससे पहले ये शूटर सीएम के ऊपर निशाना साधे, हमें उसे दबोचना।
व्यक्ति। अरे सर आप, आपको तो कई बार टीवी पर देखा है। शुक्रिया। मुझे ये बताइए मैडम कि परसों से लेकर आज तक किन लोगों ने आपके होटल में चेक इन किया है? Give me 2 minutes. Can you give me match box, please? Sure, sir. Thank you. Can I take this? सर परसों हमारे होटल में मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ने चेक इन किया था। कल शाम 4 बजे उन्हें पूना जाना था, आज वो आ भी गए हैं। इनफैक्ट इस वक्त वो अपने कमरे में ही हैं। इसी फ्लोर पर 303 नंबर। ये खोलने वाला नहीं है, दरवाजा हमें तोड़ना ही पड़ेगा। हवस चाहे तन की हो या धन की निकले, उसका अंत यही होता है। खतरे की खबर चूहों को हमसे पहले हो जाती है, चूहा भाग गया। रुको, मेरे लिए। जी क्यों मिस्टर जीनियस, तुम फिर लेट हो गए। तुम्हारे आने से पहले ही मैं उठ गया। कैसा लगा मेरा तोहफा? अच्छा है, समझ जाओ भाग तो हम दोनों ही रहे, लेकिन मुझ में और तुम में सिर्फ इतना फर्क है कि तुम मुझसे भाग रहे हो और मैं तुम्हारे लिए भाग रहा हूं। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। सारे इंटरपोल मेरे पीछे पड़ी है, वो लोग आज तक मुझे नहीं पकड़ पाए। तो तुम क्या चीज हो? मेरा नाम गौरव गंभीर है, समझ जॉन। और गौरव गंभीर से तुम भाग तो सकते हो लेकिन बच नहीं सकते। क्या नाम बताया तुमने? गौरव गंभीर। तो मेरी बात ध्यान से सुनो गौरव गंभीर, ऐसा ही एक तोहफा मैं तुम्हें कल यानी 15 अगस्त को पेश करूं। जानना चाहोगे वो तोहफा क्या होगा? तुम्हारे सीएम की लाश। 15 अगस्त भारतवर्ष की आजादी का पर्व है और आजादी के इस पावन पर्व पर आजाद देश के एक आजाद नागरिक का वचन है तुम्हें कि 15 अगस्त की सुबह ये गौरव गंभीर तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से हमेशा के लिए आजाद कर देगा। सर ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। लड़की का नाम जमीला है, वो बांद्रा में रहती है और जिस्म फरोशी का काम करती है। सर बेयर बार से वो शूटर के साथ गई थी और दोनों बतौर कपल रामी गेस्ट लाइन में रुके, लेकिन सर पिछली रात को लड़की अपने घर में थी, क्योंकि पिछले काम को अंजाम देने के लिए शूटर ने सुनसान और खाली फ्लैट को अपना रैनबसेरा किया। निखिल, होटल के कमरे से मैं कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले और होटल के स्टाफ ने शूटर का जो खुलिया बताया उसके मुताबिक वो क्लीन शेव है, जिसे हम हैंडसम कह सकते। और इस आदमी ने अपनी बातचीत में इंटरपोल का भी जिक्र किया था, इसका मतलब है कि इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत से है। ये आदमी यदि अपने मिशन में कामयाब हो गया ना तो हमारी व्यवस्था तो कभी ना छूटने वाला कदम लग जाएगा। सर, सर
ये रहा तीसरा स्केच जो होटल के रिसेप्शनिस्ट और अदर स्टाफ की मदद से बनाया गया है। सर, इन तीनों स्केचेस को मिलाकर जो पॉसिबल स्केच बनाया गया है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल समर जॉन की तरफ इशारा करता है। सर, ये रहा उसका फोटोग्राफ जो 5 साल पुराना है। वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया रेखा। सर, पिछले 5 साल से इंटरपोल इसे तलाश कर रही है। इसने कई देशों में बेहद संगीन अपराधों को अंजाम दिया है। सर, इस आदमी के बारे में मुझे काफी कुछ पता है। इसकी मां मुसलमान थी और इसका पिता क्रिश्चियन था, इसलिए इसका नाम समझ जॉन। कुछ अर्सा पहले ये नेपाल की जेल से भाग गया, तब से दुनिया की कोई भी पुलिस इसे नहीं पकड़ पाई। पैसों के लिए आदमी कुछ भी करता है, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार। हो सकता है कि किसी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन ने ऐसे सुपारी दी हो कि मुख्यमंत्री को मार डाले। तुम एक काम करो, प्रेस को बुलाओ और इस बात की जानकारी प्रेस को दो कि मुख्यमंत्री पर हमला करने वाला इंसान समझ जॉन, और प्रेस में इसके फोटोग्राफ और स्केच ये भी रिलीज करना। मैं सीएम साहब से मिल गया। राइट सर। क्या कह रहे हो कन्हैया, एक आतंकवादी के डर की वजह से हम देश का तिरंगा नहीं फहरा सकेंगे? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपना 15 अगस्त का कार्यक्रम रद्द कर दें तो पुलिसों को आतंकवादियों तक पहुंचने के लिए वक्त मिल जाएगा। लेकिन हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी, देशद्रोहियों की धमकी के कारण हम अपने घर में चूहे की तरह कैद होकर नहीं रह सकते। हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी की धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। क्या सोचेगी राष्ट्र की जनता हमारे बारे में? क्या संदेशा जाएगा बॉर्डर तक कि आतंकवादी के डर की वजह से हम देश का तिरंगा नहीं फहरा सके? आप तिरंगा जरूर फहराएंगे। कहिए ऑफिसर, कुछ पता चला उस आतंकवादी के बारे में? यस सर, उसका नाम समझ जॉन है सर, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है वो। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है सर, आप तिरंगा जरूर फहराएंगे सर। आप जैसे लोगों के हौसले और जज्बात ही हम जैसे लोगों के हौसले और जज्बातों को बल देते हैं। आप जैसे नेता ही हमारे देश की सच्ची आत्मा है, और हम जैसे सिपाहियों का यह दायित्व है कि उन वैश्विक बहेलियों को अपने देश की आत्मा का शिकार न करने दें। मुझे कसम है धीरता, वीरता, शांति, ज्ञान और समृद्धि के प्रतीक उस पवित्र तिरंगे की, इस देश की अस्मिता की तरफ पड़ने वाले हर नापाक हाथ को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। क्या हुआ, घर मर गए हम वतन के वास्ते। जय सिंह। यह गांधी मैदान है जिसकी परिधि तकरीबन 1 किलोमीटर। इसके तीनों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं और एक तरफ समुद्र है। गांधी मैदान की तरफ 4 रास्ते पहुंचते हैं, एक समुद्र की तरफ से और 3 इस रिहायशी इलाके की तरफ से। 14 अगस्त की रात से ये चारों रास्ते बंद कर दिए। 15 अगस्त की सुबह सिर्फ मुख्यमंत्री जी की गाड़ियों का काफिला समुद्र के रास्ते से गांधी मैदान तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री गांधी मैदान के बीच में यहां पर ध्वजारोहण करेंगे। इन चारों रास्तों पर जगह जगह पुलिस की नाकेबंदी रहेगी, मेटल डिटेक्टर लगे रहेंगे, क्लोज सर्किट कैमरा लगे रहेंगे ताकि मैदान की तरफ आने जाने वाले हर व्यक्ति की, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बड़ा, जवान, जो भी, हर व्यक्ति की सघन तलाशी ली जाए। सर, जब मैदान के उस तरफ रिहायशी इलाका है, क्या ऐसी संभावना है कि वो हमलावर वहां से वार कर सके? इसकी भरपूर संभावना है, इसलिए ये जो इमारतें हैं, इन इमारतों के सारे मालिकों को, फ्लैट ओनर्स को सख्त हिदायत दी जाए। इन्हें कहा जाएगा कि 15 अगस्त को वो अपने किसी भी गेस्ट को आमंत्रित ना करें। इन सारे फ्लैट्स की तलाशी लेनी है और साथ ही साथ समझ जॉन का फोटो इन फ्लैट्स में पहुंचाना है। इसके अलावा इन बिल्डिंगों के जो चौकीदार होते हैं, इनको हिदायत दी जाएगी कि बिल्डिंग में आने जाने वाले हर व्यक्ति को बस सख्त निगरानी रखें, और हमारी पुलिस को मुस्तैदी के साथ
इन बिल्डिंगों पर निगरानी। सर, इतनी टाइट सिक्योरिटी को तोड़कर सीएम तक कोई नहीं पहुंच सकता। सर, हमने इतने पुख्ता इंतजाम किए हैं कि इन्हें तोड़कर, हथियार तो छोड़िए, कोई सुई लेकर भी अंदर नहीं पहुंच पाएगा। इसी बात का हमें सख्त ख्याल रखना है रेखा। एक भी हथियार लेकर गांधी मैदान की तरफ जाने वाली किसी भी तरफ पर पांव ना रखें। राइट, सीएम साहब की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर। एनी क्वेश्चन? सर, अब सवाल नहीं, समन जान के चैलेंज को ध्वस्त करना है, यही हमारा इरादा है। शुक्रिया। ऑफिसर्स, आप लोग आज से अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहिए और 15 अगस्त के ध्वजारोहण की तैयारी कीजिए। राइट। कौन? चाचा, मैं यहाँ का वॉचमैन राम प्रसाद। आओ, अंदर आ जाओ। चाचा, ये पुलिस वाले आए। इतनी रात गए, क्या काम है बरखुरदार? चाचा, अगर कोई अनजान आदमी नजर आए तो हमें नीचे इन्फॉर्म कर देना। अब इतनी रात मुझसे कौन मिलने के लिए आएगा? मेरा तो एक ही बेटा है, पर वो भी कुवैत में रहता है। चाचा, आपकी आवाज को क्या हुआ? पान में थोड़ा चूना ज्यादा लग गया था, यहां तक कि मेरा गला तक छिल गया। ठीक है चाचा, अपना ख्याल रखना, हम लोग चलते हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है, करो, चल जाओ जाओ। सावत? यस सर। किसने खबर की तुम्हें? सर, इसी आदमी ने हमें सबसे पहले खबर की। आप पहचानते हैं? सर, ये सईद मियां है, मेरे मेडिकल स्टोर पर आते रहते थे। शास्त्री नगर में गांधी मैदान के पीछे जो लास्ट बिल्डिंग है, छठे माले पे इनका फ्लैट है सर। गांधी मैदान के ठीक पीछे? जी 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 सर, लास्ट बिल्डिंग में। किसने फोन किया था आपको कि इनका मर्डर हो गया? वो तो नहीं मालूम, लेकिन किसी अनजान आदमी का फोन था सर। ओह माय गॉड। सावंत? यस सर। यही रुको, मैं आता हूं। राइट सर। सर, सीएम सब आ गए हैं। समाचार हमारा ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात गौर से, हमारा बेसिक मोटो है सीएम साहब की सुरक्षा, उनकी हिफाजत। तुम्हें कैसी भी सूचना क्यों ना मिले, तुम्हें सीएम साहब का साथ नहीं छोड़ना है, वहीं पे जमे रहना। मैं समझ जाऊं के पीछे जा रहा हूं।
हेलो मिस्टर इन्वेस्टिगेटर, मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसा के सीएम को अपने निशाने पे ले लिया है और मैं 5 सेकंड में उसको शूट करके यहां से निकल जाऊंगा। और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। काउंटडाउन बिगिंस नाउ। Five, 4, 3, 2, 1. Countdown ends. 0.